जिस तरह से फुटेज में लगा है, कई बार उसने गलत दबाने की मारने की कोशिश करी, एक बार उसका दिल दीवार में उसका सिर मार दिया था, एक बार मैं बाथरूम में नहा रहा था तो उसने उठा के बच्चों को पटक दिया था। मतलब छोटा सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर इतना अत्याचार ये औरत करती है, और इसके घर वालों को जब मैं कहता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होते किसी तरीके से, और उल्टा दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर ही मुकदमा इन्होंने दर्ज करा दिया है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस बाकी जो करना है जिसको करना है वो अपना करे। लेकिन इसकी शिकायत मैं सर हाईकोर्ट तक जाऊंगा, मैंने हाईकोर्ट में भी मुकदमे की तैयारी कर रखी है कि बच्चे की कस्टडी मुझे तत्काल फौरी तौर पर दिलाया जाए, बाकी जो जो न्यायालय का फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। तो बच्चे की सही तरीके से वो लोग देखभाल भी नहीं करेंगे, पहले भी एक बार घेर के वो लोग मेरे ऊपर हाथापाई कर चुके हैं, जिसका उनका मुचलका हुआ था और उनका चालान भी हुआ था, बच्चे का भी उन्होंने पहले हाथ पैर खींचा था, मुझे गाड़ी से गिरा दिया था, ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बस ये कल मैं बहुत थैंक्सफुल हूं डीआईजी साहब का कि उन्होंने कल इस मामले को मेरी पूरा सुना और सुनने के बाद मुकदमा करने के आदेश दिए। कितना बड़ा बच्चा सर? इस समय 1.5 साल का, इस समय करीब 21 माह का हो चुका है सर, और पिछले 1 साल से मैं उसकी केयर कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, भाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं रखा है सर, ना ही बच्चे की देखभाल, घर का एक एक सामान सारा तोड़ डाला है, आज पूरा कपड़ा खाली पड़ा हुआ है, गैस के चूल्हे बर्तन फेंकाए, ये सब मतलब बुरा तरीके से तमाशा, ऊपर से सामान फेंकती थी गैलरी में, ये सब सीसी फुटेज मेरे पास मौजूद है, मेरे पास जब आईओ आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगा ये सारी चीजें कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, और प्लीज इसमें मेरी मदद की जाए।